नमस्ते, मैं डॉक्टर योगिता पराश। मैं कंसल्टेंट ऑब्सेन गायनी मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब वो है कि वो कपल्स जो इस दर्द के थ्रू निकल चुके हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स और वो प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, किसी न किसी कारणवश बीच में ही कभी 2 महीने का या 3 महीने का या कभी 5 महीने का बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, तो ऐसा अगर 3 से ज़्यादा बार हो जाता है तो हम उस केसेस को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में बोलते हैं। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं, हर कोई कारण ढूंढना चाहता है कि इस बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस का कारण क्या है, और उस टाइम माँ की जो मेंटल स्टेट है वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इन सब में आज मैं आपको इसी के बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाह रही हूँ कि ये होता किस वजह से है। वैसे तो 50-75% केसेस में बोलते हैं कि इनका कोई कारण मिलता नहीं। ज़्यादातर चांसेस 90% केसेस में ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से होते हैं, जो माँ के एक अच्छे अंडे ना डेवलप होने की वजह से होता है। जो बाकी के कारण है वो हो सकते हैं कि कोई ना कोई यूट्रस में फैक्टर हो, कभी कोई फाइब्रॉइड होता है या कोई पॉलिप होता है जिसने यूट्रस की कैविटी को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। कभी कभी एक चीज़ होती है थ्रोम्बोफीलिया, जो कि बच्चे और माँ के यूट्रस के बीच में ब्लड सप्लाई का करेक्ट कनेक्शन नहीं होने देता, तो वो भी कारण बनता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस का। कभी कभी कोई हार्मोन जैसे कि थायराइड या प्रोलैक्टिन, अगर इनके लेवल्स बॉडी में गड़बड़ हैं तो ये भी एक अच्छा अंडा नहीं बनने देते और प्रेगनेंसी लॉस में रिजल्ट करते हैं। कभी कोई जेनेटिक कॉजेज होते हैं कि कोई क्रोमोसोम करेक्ट वे में सेपरेट नहीं हुआ, माइक्रो डिलीशंस एंड एडिशंस, ये भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में रिजल्ट करते हैं। और बहुत सारे और फैक्टर जैसे कि हमारा जो बच्चे को प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो एक बहुत अहम हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरोन, अगर उसका डेफिशिएंसी या डिफेक्ट हो जाए तो वो भी हमारा प्रेगनेंसी लॉस में रिजल्ट करता है। अब ये सभी जो कारण हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम इनकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे या जो हो रहा है उसको होने दें। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि पहले हम कारण जाने और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट उसी स्पेसिफिक ऑर्डर में करें। तो मणिपाल हॉस्पिटल में हमारे पास वो सभी फैसिलिटीज़ हैं जो हम ये कारण जानने में, हमारे पास वर्ल्ड क्लास लैब है जहाँ पे हम थ्रोम्बोफीलियाज और बाकी जेनेटिक स्क्रीनिंग कराते हैं, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रासाउंड है, लेटेस्ट एडिशंस जो कि आपका सोनो सैल्पिंजियोग्राफी, आपका सोनो हिस्ट्रोग्राफी, ये सब आपका यूट्रस के एनोमलीज को रूल आउट करने में हेल्प करता है, MRIs हैं और बाकी के भी सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसके लिए आप हमें यहाँ आके मिल सकते हैं। हम आपके कारण जानने में मदद करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।